नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी में। आज हम बनाएंगे ये खिला खिला और दानेदार सूजी का हलवा। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करेंगे। ये मैंने 4 कप पानी लिया है, जितना सूजी है उसका ठीक 4 गुना पानी हमें लेना है। और इसको बॉयल करेंगे, फिर इसको साइड में रख देंगे और दूसरे पैन में 3/4 कप घी डालेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4-5 काजू और 4-5 बादाम, जिन्हें मैंने बीच से कट कर लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। ये काजू और बादाम को मैं थोड़ी देर भून लूँगी और अब मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत ही कम समय लेती है भुनने में। अगर हम काजू और बादाम के साथ ही किशमिश डाल देंगे तो वो जल जाएगी और वो कड़वा टेस्ट करेगी, इसलिए हमने किशमिश थोड़ा देर से ऐड की है। ये देखिए किशमिश फूलने लगी है। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे और इन्हें साइड में रख देंगे। अब इसी घी में डालेंगे 1 कप सूजी और 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से हलवे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, तो आप ये जरूर ट्राई करना। और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनना है। ये देखिए मिश्रण हमारा किस तरह से दिख रहा है अभी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ये धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा और घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, पहले से पतला हमारा मिश्रण हो गया है। ये देखिए किस तरह से घी छोड़ना शुरू कर दिया है सूजी ने, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी उसका चेंज हो गया है। इसका मतलब है हमारी सूजी भुनकर लगभग तैयार हो गई है। तो इस समय पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और जो पानी हमने गर्म करके रखा था उसको हलवे में ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा हलवा जो है जल्दी से पकना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को वापस तेज कर देंगे और लगातार हलवे को चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी हमारा हलवा पकना शुरू हो गया है। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे काजू और बादाम जो हमने रोस्ट करके रखे थे, थोड़े से गार्निश के लिए मैंने बचा लिए हैं। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तो अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। ये आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है। अगर मैं उसको बीच से अलग करूँ तो वो वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब है हमारा हलवा परफेक्ट हो गया है, इससे ज़्यादा ना पकाई नहीं तो वो ड्राई लगता है। ये देखिए ठंडा होने पर थोड़ा और गाढ़ा हलवा हो जाएगा और हमारा सूजी का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप भी ऐसा ही परफेक्ट और एकदम टेस्टी हलवा बनाएंगे।